हेलो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ़ सिमरन आयर्स सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर फॉरेस्ट फायर्स फॉरेस्ट फायर्स क्या हैं कैसे है इम्पैक्ट क्या है मेजर क्या है uh, हम लोगों ने कौन कौन से जो है स्टेप्स टेकन अप किए हैं टू अवॉइड कि हम लोग आपका जो है फॉरेस्ट फायर कम आपका uh, जो है uh, कम कर सकें या फिर उसको प्रोटेक्ट कर सकें अपने फॉरेस्ट को सो लेट्स डाइव इन टू द वीडियो गाइज एंड दिस इज़ योर फॉरेस्टफायर गैस फॉरेस्टफायर्स होता गया है सबसे पहले तो एनी अनकंट्रोल्ड एनी अनकंट्रोल्ड एंड नॉन प्रस्क्राइब कंजम्पशन और बर्निंग ऑफ द प्लांट्स इन नैचुरल सेटिंग जब एक आपके जो है नेचुरल सेटिंग के अंदर आपके जो प्लांट्स या ट्रीज बने पड़े हैं और उनके ऊपर आपका जो है एक ऐसी आग लग जाती है जो अनकंट्रोल्ड वे में आपका जो है फैलती जाती है और बहुत सारे नेचुरल जो हैं आपके फ्यूल्स जो हैं आपके कवर अप कर लेगी एंड इट स्प्रेड्स बाय योर विंड और टोपोग्राफी तब हम लोग इसको आपका फॉरेस्ट फायर्स बोलते हैं अब गए ये मैंने इतना बड़ा ये लाइन क्यों लिखी है क्योंकि आपको जब भी अगर आपको फॉरेस्ट फायरस के बारे में पूछा जा रहा है देन यू हैव टू डिस्क्राइब कि ये होते क्या है एंड आपको एज़ इट इज़ डेफिनेशन लिखनी पड़ती है सो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ये पूरा कम्प्लीटली लिखा है अब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है इंडिया के अंदर अब क्या होता है कि एकदम से हमारे यहाँ पे आग लग जाती है वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है वो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस की वजह से हो जाती है वो नेचुरल कॉजेस के कारण हो सकती है कि दो चीज़ें आपकी टकरा गई स्पार्क प्रोड्यूस हुआ आपका ड्राई था आपका जो एनवायरनमेंट था और हम लोगों ने क्या किया उसको आग लग जाती है और फैलते फैलते वो स्पार्क जो है क्योंकि हवा जैसे हम चूल्हे के अंदर हम लोग हवा डालते हैं है ना तो उससे और ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है तो वो सब चीज़ें गाइज हम लोग देखते हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर आग बहुत ज़्यादा फैल जाती है दैट इज़ योर विंड ये आपकी स्मोकिंग हैबिट्स की वजह से भी हो सकती है विंड की वजह से भी हो सकती है जैसे मैं कोई नेकेड फायर है जिस वो आपने जलाई थी सर्दी में बचने के लिए बट आपने उसको भजाया नहीं ठीक है उसको कवर अप नहीं किया उसको नेकेड फायर बोलते हैं फायर कैंप्स हो सकते हैं आपके आप कहीं पर कैंपिंग करने गए आपने नहीं बुझाई है ना इलेक्ट्रिक स्पार्क हो सकते हीट पैटर्नस हो सकते हैं जैसे कि आपका हीट वेव अभी आपका न्यूज़ में चल रहा है कि इंडिया के अंदर एकदम से आपका विंटर्स के बाद आपकी समझ आ गई देर इज़ अ मिसिंग ऑफ योर स्प्रिंग सीजन ठीक है ये सब चीज़ें फायर वर्कस हो सकता है पटाखे हो सकता है या फिर डेवलपमेंट इशू के कारण जान मुझ के ट्राइब्स या फिर जो गवर्नमेंट है अपने आप जो है आपके आग लगा लेती है जब इन चीज़ों के कारण आपका जो है आग लग जाती है उस फॉरेस्ट के अंदर और विंड पैटर्न या किसी भी कारण आप जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते उसकी टोपोग्राफी ऐसी होती है आपकी कि वो आपकी फैलती जाती है आग तो हम लोग उसको फॉरेस्ट फायर्स बोलते हैं गैस अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है फॉरेस्ट फायर्स का आपका इम्पैक्ट सबसे पहले ऑफकोर्स दैट इज़ योर क्लाइमेट चेंज लॉस ऑफ योर इकोसिस्टम एयर पोल्यूशन फॉरेस्ट एंड योर सोइल डिग्रेडेशन होती है ठीक है सॉयल ख़राब हो जाती है एयर बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूट होती है जैसे कि अभी अमेजॉन फॉरेस्ट में लगे थे अमेजोन इज़ कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ अब वहाँ पे जब आपके ब्राज़ील के अंदर ही आपके फॉरेस्ट फायर हुई तो कितना बड़ा नुकसान है अर्थ को तो कितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी ठीक है तो ऐसे करके आपका जो है आप इसको रिलेट कर सकते हो डिप्लीशन ऑफ योर ओजोन थ्री कोर्स अगर ऐसी आपका फैलता रहेगा ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी ऐसे आपके एच फैलते रहेंगे तो आपका जो होल है ओजोन होल है वो और ज़्यादा जो है डिप्लीट होता रहेगा बढ़ता रहेगा ठीक है जो लेयर्स है आपकी जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट भी डिस्टर्ब होता है और जो आपका एनिम जो कार्बन सिंक है जो कि आपका कार्बन एब्जॉर्ब कर लेता है जिसको हम लोग फॉरेस्ट बोलते हैं वो आपके कम हो जाता है गाइज़ डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन ऑफ योर वाटर शेड्स ऑल्सो आपके प्लांट्स नहीं होंगे तो वाटर वेटलैंड्स नहीं होंगे और आपके वाटर जो है शेड्स वो भी कम होंगे अब गाइज ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है तो सबसे पहले तो आपको ऐसा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है कि फॉरेस्ट फायर्स होते हैं क्या हैं उसके कॉजेज़ क्या हैं इम्पैक्ट क्या है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं जब हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो हम लोग लिखते लिखते हम लोग इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि हम लोग सभी चीज़ें मैंशन नहीं कर पाते हैं तो आपको हर एक चीज़ के साथ उसको रिलेट करना है इवन इम्पैक्ट के अंदर आप लोग इसमें आप हिस्ट्री भी ऐड कीजिए कि शुरू से ऐसा होता आ रहा है राइट आप इसमें पॉलिटिकल रीजंस लिखिए कि खुद जो है गवर्नमेंट जो इसको इनिशिएट करती है राइट right? इसमें एजुकेशनल रीजंस लिखो कि आपके फॉरेस्ट जो है आपका है ना यू यू हैव टू रिलेटेड विद द डिवर्स थिंग्स जब तक आप डिवर्सिटी नहीं देंगे आंसर के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स नहीं देंगे तब तक आपको जो है आंसर के अंदर नंबर्स नहीं मिलते हैं ट्राई टू राइट एग्जाम्पल्स ऑल्सो योर कमेटीज़ ऑल्सो तो इस रीज़न की वजह से ही मैंने जो फ्लो चार्ट है यहाँ पे बनाया है एंड यू कैन ऑल्सो ब्रेन स्टॉम यूर थिंग्स लाइक दिस राइट कि एक तरीके का एक वर्जन है कि आप अपने नोट्स कैसे बना सकते हैं आई आई यूज़ टू मेक दिस नोट्स ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर अकेडमी में वो करा सकूँ और उनको बता सकूँ सो वी आर शेयरिंग दिस टेक्निक विद यू मेजर्स क्या हो सकते हैं हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल आया था आपका लास्ट टू लास्ट वीक हमारा न्यूज़पेपर के अंदर जिसमें बताया था कि हम लोग काउंटर फायरिंग कर सकते हैं अगर आग इस साइड से लग रही है तो हम पहले ही ना उसको एक आपका एक आपका डिस्ट्रक्शन दे, दे देंगे यहाँ से हम ऑटोमेटिकली खुद आग लगा देंगे ताकि वो दोनों आगे जो है आपस में इकट्ठे मिल जाएंगे तो फिर उनको जो है आगे फैलने का आपका जो है रीजन नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी सड़ चुका है ठीक है तो इसको हम लोग काउंटर फायर्स बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल टेक्नोलॉजी यूज करें हम लोग जैसे कि आपके हेलीकॉप्टर्स हैं उसके थ्रू हम लोग थैंक बट ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इंडिया में ये यूज़ नहीं होता जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे कंट्रीज़ के अंदर फॉरेस्ट फायरस बहुत ज़्यादा कॉमन है तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स के थ्रू हम लोग जो है आपका आ, फेंकते हैं ठीक है फिर उसके बाद गाइस हमारी कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है अगर कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस होएगी अवेयरनेस कैंप्स के अंदर तो वो लोग जो है स्मोकिंग हैबिट्स को सुधारेंगे कैम्प फायर्स को ठीक रखेंगे है ना तो ऐसे बहुत सारे और सारे रीज़न्स हो सकते हैं प्रिपेयरनेस एंड योर मिटिगेशन ये हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टेप्स भी होते हैं गायस जिसमें हम लोग पहले ही प्रिपेयर करके रखते हैं और लोगों को बताते हैं कि अगर ऐसे आग लग जाए तो आप लोग उस टाइम पे क्या रिस्पॉन्स दे सकते हो राइट रिकवरी इज़ तो डेफिनेटली अ वे एंड पॉलिसीज़ और अदर कोऑर्डिनेशन जो सर्विसेज हैं उनके साथ भी हम लोग जो है आपका इस्तेमाल करें उन एजेंसीज का भी डाटा जो है यूज़ करें दैट इज़ योर मेशर्स अब क्या क्या स्टेप्स आज तक हम लोगों ने फॉलोअप किए हैं जैसे है कि अगर आप लोगों को लिखना पड़े कि आज तक गवमेंट ने क्या क्या किया है तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो ये बहुत फेमस है दैट इज़ योर मोडी सेटेलाइट है और नाशा की सिंस 2004 थाउजेंड जब भी आग लगती है तो इमीजिएटली हम लोग जो हैं इन्फॉर्म कर देते हैं हम लोगों को नाशा वाले और हम इमीजिएटली जो है एक्शन ले लेते हैं ये टाइम पहले बहुत ज़्यादा था अब काफ़ी कम हो गया तो ये एक बड़ा ही सक्सेसफुल वे है जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट फायर जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं रियल टाइम आपके फॉरेस्ट फायर अलर्ट्स होते हैं हम लोगों को जिसको हम लोग फास्ट वन भी बोलते हैं राइट right, एंड उसके बाद फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन स्कीम है हम लोग की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है एक्शन प्लान है ठीक है जिसको हम एन डी आर एफ फोर्स भी बोलते हैं दिस इज़ योर नेशनल एक्शन प्लान फॉर ऑन योर फॉरेस्ट फायर टू थाउजेंड एटीन है बर्नस कार असेसमेंट है अब चाहे आपको ना इसके बारे में आप इसके बारे में और ज़्यादा सर्च कर सकते हो बट अगर आपने एक जी एस के अंदर ये पॉइंट्स लिख दिए पॉइंटर्स लिख दिए तो एग्ज़ामिनर को लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा है डिफरेंट चीज़ लिखी है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई योर रिसोर्स यू हैव टू डिवर्स योर थिंग्स और आप बहुत अच्छे से इसको मेंशन कीजिए तो ये एक बढ़िया आंसर बन सकता है और यही चीज़ होती है कि छोटे छोटे रीजंस और कोटेशंस इसके अंदर लिख के रखिए आप कल दिन को ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो दैट इज़ योर ऑल फिक्स्ड सो दिस इज़ ऑल फॉर इट गाइज आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा थैंक यू सो मच गाइज़ गॉड ब्लेस यू जय हिंद